नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ। और आज की वीडियो में हम खास करके हमारे किसान भाई जो कृषि कार्य करते हैं उनकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। और आप भी जानते हैं दोस्त कि किसान जो कृषि कार्य कर रहे हैं, हमारे किसान भाई जो कृषि कार्य कर रहे हैं, उसका सबसे सच्चा और सबसे अच्छा जो साथी होता है कृषि संयंत्र होता है। और आज एक से बढ़कर एक आधुनिक कृषि उपकरण की आपको जानकारी मिलने वाली है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बिहार में, हालांकि बहुत लोग सोचे भाई कि इसी उपकरण के लिए पंजाब हरियाणा फेमस है या वहाँ पर ज़्यादा बनती है, लेकिन अब बिहार में भी उपलब्ध हो सकता है। और एक से बढ़कर एक आधुनिक कृषि उपकरण आपको बिहार में ही मिलेंगे। सारी जानकारी दोस्त आपको मिलने वाली है, कौन कौन से मशीन यहाँ पर उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए, उससे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, साथ ही कैसे उससे रोजगार का सृजन कर सकते हैं, तो हर तरह की जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और हमारे साथ हैं किसान कृषि यंत्र के ओनर रंजीत जी। स्वागत है रंजीत जी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है सर, सभी किसान भाइयों को प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। आज आपने बताया कि आज की वीडियो में हमारे किसान भाई जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनकी समस्या का बिल्कुल ही समाधान करने वाले हैं। तो कौन कौन से कृषि उपकरण आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे हमारे किसान भाइयों के लिए, बारी बारी से हमारे दर्शकों को बताइए। अब किसान को अब कमाने का जरूरत नहीं है खेत में। पहले जो लोग दिन रात कमाते थे कुदाल फावड़ी से लेकर, लेकिन अब छोटा छोटा मशीन निकल चुका है। अब आराम से लोग मशीन को चला दीजिए और बहुत कम कॉस्ट में आपका काम बहुत फ्रेश हो जा रहा है। तो रंजीत जी, कौन कौन से कृषि उपकरण आपके पास उपलब्ध हैं, सारी जानकारी सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। ठीक है, मेरे पास अन्य प्रकार के कृषि उपकरण उपलब्ध है, मैं बताता हूँ। पावर वीडर और मिनी पावर टेलर भी कर सकते हैं, मिनी ट्रैक्टर भी उसको बोल सकते हैं, और रीपर है, छोटू वीडर है, अर्थ उगर भी मेरे पास है, चाप कटर, आटा चक्की मशीन, ब्रश कटर और बहुत कुछ किसान के लिए उपयोगी उपकरण मेरे पास अवेलेबल है। शुरुआत करते हैं पावर वीडर से। तो पावर वीडर में बहुत सारे रेंज हमारे दर्शक को देख पा रहे होंगे, काफ़ी रेंज आपके पास है। तो शुरुआत पहले पावर वीडर से करते हैं। तो कौन कौन से पावर वीडर आपके पास उपलब्ध हैं, मिनिमम से लेकर चलते हैं, सबसे छोटा जो पावर वीडर है, हमारे छोटे किसान बंधु जिनके पास पैसे का अभाव है, कम पूंजी उनके पास है या फिर ज़मीन भी कम है, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया होगा छोटा वाला। तो सबसे छोटा जो आपके पास है, सबसे कम कीमत वाला जो पावर वीडर है, उसके विषय में सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे कम पावर का और सबसे छोटू वीडर एक हो गया 3 HP का 68 CC का 2-स्ट्रोक इंजन है। ये आपको इसमें इंजन में टूटियल मिलाकर और प्रति लीटर 40 ml टूटियल मिलाना है और इसको चलाना है। इसमें इंजन का चैम्बर नहीं है, 2-स्ट्रोक इंजन में आपको पेट्रोल के साथ में इंजन ऑयल डाला जाता है, प्रति लीटर 40 ml। तो ये घंटे में कितना तेल खाएगी? ये घंटे में तकरीबन 700 ml या 800 ml तक खाती है। जुताई कितनी होगी इससे? जुताई से 6 से 7 कट्ठा 2 चास कर सकते हैं। 6 से 7 कट्ठा 2 चास हो जाएगा? जी जी जी। 1 लीटर से? जी सर, 1 लीटर से ना जी। तो इसका एरिया क्या है और कितना गहराई तक ये जुताई कर सकती है? ये 6 इंच गड्ढा कर सकती है और 18 इंच में ये चलती है। 18 इंच में चलती है जी, 6 इंच गड्ढा कर सकती है जी सर। तो कौन कौन से कृषि कार्य के लिए ये उपयोगी है? ये बैगन, भंटा, मिर्चाई, टमाटर, साग सब्जी के लिए, बाग बगीचा के लिए, यानी कि सब्जी के खेती के लिए बहुत उपयुक्त ये उपकरण है जी। अगर मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अब 2-स्ट्रोक का जमाना नहीं रहा, अब लेना है तो 4-स्ट्रोक में आइए। 2-स्ट्रोक में ज़्यादा मेंटेनेंस है और 20 मिनट चलाइए, उसको रेस्ट देना पड़ता है। इंजन वाल इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, इसके चलते कंपनी कुछ अब सुधारी है और 4-स्ट्रोक इंजन में अच्छा निकाली है। इसी सेगमेंट में 4-स्ट्रोक इंजन भी आपके पास उपलब्ध है? जी, 4-स्ट्रोक इंजन है, इसी कंपनी का भी है। और ये देखिए, अच्छा ये वाला जी, ये इंजन जो है आपको मात्र 4-स्ट्रोक इंजन हुआ, 400 ml इंजन वाल लगता है और गियर वाल 1 लीटर। इसमें 24 इंच में 10 इंच से लेकर 24 इंच तक चलेगी, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये आपको मात्र पर घंटा 0.5 लीटर पेट्रोल लेंगे। 0.5 लीटर पेट्रोल से ये एक घंटा में 0.5 लीटर पेट्रोल ले खाएगी ना? जी जी, 0.5 लीटर पेट्रोल लेगी प्रति घंटा। ये सेल्फ स्टार्ट है या फिर किक से ही है? मैनुअल है इसका, इजी है बिल्कुल स्टार्ट करना। चला कर दिखाओ जी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे एक बार में ये स्टार्ट हो गया है। वीडियो में कोई कटिंग नहीं है, कोई कट नहीं है और आप देख पा रहे होंगे एक बार में ये स्टार्ट हो गया। तो आसान है इसको स्टार्ट करना, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मैनुअल है।
तो एक और सवाल है सर कि 4 स्ट्रोक इंजन भी आपने दिखाया और 2 स्ट्रोक वाला भी बताया, दोनों के कीमत में कितना अंतर है? वो तो आपको पड़ेगी 22,000 रुपया 2 स्ट्रोक इंजन का। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, वो मैं किसान भाइयों को राय नहीं देता हूँ लेने के लिए। और ये 4 स्ट्रोक है, इसका मेंटेनेंस 0 है और हैवी इंजन हो गया, 150 cc में 5.5 SP का इंजन है, तो इसका जो डिमांड बहुत अच्छा हो गया और तेल कम खाने के चलते साइलेंट आवाज़ है, इसका डिमांड बहुत अच्छा है। और मैं किसान भाइयों को बोलूँगा कि जब भी लें 4 स्ट्रोक का इंजन लें, 2 स्ट्रोक का नहीं लें। 4 स्ट्रोक इंजन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा किसान बंधु के लिए जी, इसका साइलेंट आवाज़ है और बेहतर चीज़ है। एक इसको स्टार्ट करके चलाओ जी, फिर से आप देख सकते हैं एक बार में ही स्टार्ट हो गई। और देखिए इसको चलाने का सिंपल तरीका है, एक्सीलेटर वहाँ से क्लच दबिए और चलने लगे, बस कोई भी चला सकते हैं ये गाड़ी। व्यक्ति सु चला सकता है जी जी, बच्चे लेडीज बुजुर्ग कोई भी चला सकते हैं। तो इसके साथ हमारे दर्शकों को या जो किसान बंधु हैं जो आपसे परचेज करेंगे, कौन कौन से अटैचमेंट मिलेंगे या कौन कौन से अटैचमेंट इसमें लग सकते हैं? इसके साथ में अनेकों प्रकार के अटैचमेंट लगेंगे, जैसे मिट्टी चढ़ाने के लिए हो गया, गोभी पे, भिंडी पे और कुछ कुछ पे, तो इसके लिए आलू वगैरह पे, तो आप गुलाई कर इसको भर सकते हैं। अटैचमेंट है जो इसमें अनेकों प्रकार के लग जाएंगे, और जैसे मिट्टी चढ़ाने के लिए हो गया, और इसमें मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, कल्टीवेटर भी लगा सकते हैं, तो इससे आराम हो गया। लेकिन बाग बगीचा के लिए और बैगन भंटा मिर्चाई टमाटर साग गुड़ाई के लिए स्पेशलिस्ट है, ईख वगैरह के लिए। जो परचेज करेंगे आपसे मशीन, तो इस मशीन के साथ कितने अटैचमेंट कंपनी के द्वारा मिल रही है? ये इसके साथ है, एक अटैचमेंट आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, बाकी की जानकारी आप देंगे? जी जी बिल्कुल, हमारे जिस तरह की जरूरत हमारे किसान बंधु को होगा उसी हिसाब से अटैचमेंट लगाकर इसके से अपना कृषि कार्य कर सकते हैं जी। जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा आप हमको डिमांड करिए, मैं आपको यहाँ से पार्सल कर दूंगा, अब भेज सकता हूँ। तो इसके बाद ये जो मशीन है, ये शायद यहाँ लिखा हुआ है, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, इटली का ये बना हुआ है क्या? ये 7.5 SP का पावर वीडर है और मात्र आप लोग किसान भाइयों को ये 38,000 में दिया जाता है। मात्र 38,000 में ये जी, और 7.5 SP का इंजन जो आपको इसमें 24 ब्लेड मिल जाएंगी साथ में, और इसमें इसका फ्यूल कंजक्शन भी है, मात्र आपको 600 से 700 ml प्रति घंटा। इसमें जो टायर लगे हैं, जो हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, तो ये ट्यूबलेस है या ट्यूब वाली है? ये ट्यूब वाली टायर है, अगर कुछ पंचर भी हो जाए तो इसको निकलवा कर बना सकते हैं। अच्छा, तो इसमें इसकी टैंक की कैपेसिटी कितनी है? क्या ये भी सेल्फ स्टार्ट है या फिर मैनुअल स्टार्टिंग है? मैनुअल स्टार्टिंग है, मैं सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बहुत कम रखता हूँ, कारण कि सक्सेस बहुत कम होता है, इसके कारण कि कभी का किसी का चार्ज नहीं हो पाता, किसी का बैटरी चार्ज नहीं कर पाती है और कभी वो सेल्फ नहीं उठा पाता है। इसके क्या ये भी टर्बो है? जी जी, ये सब जो है टर्बो इंजन है? ये नहीं, ये आपको टर्बो नहीं मिलेगी, टर्बो लेने के लिए यहाँ पे इसमें आ जाइए। अच्छा, ये किस कंपनी का है? ये आपको एस राजा का ब्रांड हो गया। अच्छा। और 7.5 SP का इंजन है और बहुत सिंपल है चलाने के लिए, इसमें बहुत एक इसका फ्यूल कंजक्शन जो है, ये जो नंबर है गाड़ी नंबर से बिक रही है, ये बहुत पॉपुलर है। R111 इसको लेने के लिए हमारे किसान बंधु को नंबर लगाना पड़ेगा? जी जी, ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, जब ज़रूरत पड़ता है किसान भाइयों को, मैं यही कहता हूँ कि R111 मॉडल ही लीजिए, इसमें जो हैवी गियर बॉक्स और हैवी इंजन, साथ में मोटा साफ और मोटा टायर, इससे रिपर वगैरह भी लगाकर चला सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, आप देख पा रहे होंगे ये इसका जो टायर है वो भी काफ़ी मोटा है, ग्रिप काफ़ी पकड़ वाला है, काफ़ी शानदार ग्रिप दिया हुआ है टायर का। और इसके टंकी की कैपेसिटी कितनी है रंजीत जी? टंकी का कैपेसिटी मात्र 3.5 लीटर है, और ये जो है आपको 2.5 से 3 लीटर 1 बीघा में आपको 2 चास करेगी। ये जो है इंजन 1 एकड़ में मात्र 3 लीटर ही 2 चास करेंगे, इतना 3 लीटर में 2 चास 1 एकड़ में ही हो सकता है? जी जी, बहुत अच्छा, इसका जुताई इतना बेस्ट है कि ट्रैक्टर फेल है। कौन कौन से किसी कार्य से की जा सकती है? इससे अनेकों प्रकार के कर सकते हैं, जैसे रीपर लगाकर धान गेहूं भी काट सकते हैं, हालर सके जनरेटर वगैरह चला सकते हैं, ट्रॉली लगाकर 10 क्विंटल माल इस पे ढो सकते हैं। अच्छा, ट्रॉली भी इसमें लग सकता है? जी जी, सामने जो ट्रॉली है इसमें अच्छा, ये जो ट्रॉली है इसमें 1 टन माल लाद करके आप इसमें आप रोड पर लेके जा सकते हैं ना? जी जी, 1 टन आराम से इसमें आप आराम से, मैं खुद लेकर आया हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कितना इसका कैपेसिटी है, लोडिंग क्षमता एक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा ये पावर वीडर है। अब इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कितने HP की है, कौन कौन से कार्य कर सकता है, इसके साथ कितने अटैचमेंट लगेंगे,
इसकी खासियत क्या है? ये जो हो गया हैवी इंजन हो गया 10 HP का। अच्छा। 10 HP पेट्रोल ही इंजन है। पेट्रोल इंजन बेचने का कारण ये है कि हर जगह मोटरसाइकिल दुकान वाले अवेलेबल मैकेनिक हैं और डीजल इंजन का मैकेनिक कहीं पे नहीं मिलेगा। लो मेंटेनेंस वाला ये इंजन है, इसका मेंटेनेंस भी जीरो है और डीजल इंजन का मेंटेनेंस ज़्यादा है और पेट्रोल इंजन का कुछ नहीं, केवल इंजन वाल समय से चेंज करना है और गियर वाल कभी कभी चेंज करना है। और इसका फ्यूल कंजक्शन जो आपको पर घंटा 800 ml 900 ml तक लगती है। कितना ग्रिप इसका है? ये तकरीबन 4 फुट का रोटावेटर है, मोटा शाफ्ट और लंबा भी। ये जो कंपनी कुछ सुधारी है, टायर भी ऊंचा और लंबा कर दी है। थोड़ा सा सबसे हैवी यही लग रहा है जी, सबसे हैवी और मॉडिफाइड इंजन किया है, टर्बो का इंजन है, एस राजा ब्रांड है। ये आपको नंबर से बिकती है, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है इस ब्रांड में। और इसके लिए ये बहुत खूबसूरत मॉडल भी नया निकाला है, लॉन्च किया है और अच्छा लग रहा है। क्या ये रात में भी ये काम करने में सक्षम है? जी, इसका लाइट भी जो है जलती है और मैं किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ लाइट और या ये स्टार्टिंग। क्या एक बार में भी ये स्टार्ट हो जाएगा? जी जी, तो एक किक में ये इंजन स्टार्ट हो गई है। तो किसान भाई अगर ये मशीन परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और साथ ही जीरो मेंटेनेंस या कहे लो मेंटेनेंस या कहे तो जीरो मेंटेनेंस वाली ये मशीन है और बहुत सारे कृषि कार्य को आप इससे अंजाम दे सकते हैं। और इसकी टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? ये टैंक की कैपेसिटी इसमें इंजन वाल 1 लीटर लगता है और गियर वाल जो है 2 लीटर लगता है। ये मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को, जब भी लें पंजाब का ही प्रोडक्ट लें, कारण कि पंजाब अभी ऑल इंडिया में खेती में सबसे आगे है। अच्छा, एक और सवाल है कि आपके पास तो एक स्प्रेमैन का उपकरण है और उसके बाद फिर एस राजा का है, इसके अलावा भी किसी दूसरी कंपनी का भी आप रखते हैं क्या? नहीं, मैं पंजाब का ही है, दोनों कंपनी का रखता हूँ। और दो कंपनी रखने से मुझे ये बेनिफिट हुई कि किसान भाइयों को कभी ये पार्ट्स नहीं मिलती है तो वहाँ से मैं ये कंपनी से मंगा लेता हूँ। और दोनों का इंजन सेम टक्कर देने वाली है और दोनों का इंजन सेम सक्सेस है, इसके चलते मैं दो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कारण कि इससे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होती है पार्ट्स अवेलेबल करने में। एक और सवाल है रंजीत जी कि ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं भाई कि एस राजा पंजाब की कंपनी है, स्प्रेमैन भी वहीं की कंपनी है, तो फिर वहाँ से माल ना लेकर के आपसे क्यों लेंगे? कुछ खासियत होगा तो या कुछ एक्स्ट्रा कुछ देंगे तब? तो देखिए, मैं किसान भाइयों को उसी प्राइस में, कंपनी के प्राइस में ही देता हूँ, बशर्ते यहाँ ये इंजन वाल गियर वाल जो डालते हैं और इंजन का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो कसने का वो अलग से लिया जाता है और कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखकर कभी भी इंजन देखकर लिया कीजिए, किसान भाइयों का पैसा बहुत मेहनत का होता है और अपना पसंद कर देखकर लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और अपना पैसा दीजिए और यहाँ से सामान लेकर जाइए और मैं यहाँ चलाकर सिखाकर ट्रेंड करके मैं देता हूँ किसान भाइयों को, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं। रंजीत जी, एक और चीज़ नया मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, वो है रीपर। तो ये रीपर क्या करती है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। ये रीपर जो है हुंडा इंजन का, इसमें आपको 4 फीट तकरीबन काटती है और हुंडा इंजन स्पेशलिस्ट है। तो इसमें आपको आने वाले समय में बिहार में सब्सिडी भी होने वाला है। और ये इससे क्या है कि फ्यूल कंजक्शन मात्र 1 एकड़ में 150 रुपया आपको खर्च गिरेगी जी, मात्र 150 रुपया में 1 एकड़ आप लोग कोई किसान भाई हो धान गेहूँ काट कर पौरी लगा सकते हैं। और इतना बेस्ट लगाता है कि आदमी हंसुआ से लोग नहीं लगा पाते हैं। फास्ट भी काम करता है जी, बहुत फास्ट काम है और दिन भर में कम से कम 6-7 एकड़ 8 एकड़ काट सकते हैं। ये हुंडा इंजन का 7 HP का ये इंजन हुआ, इसका कैपेसिटी फ्यूल कंजक्शन भी है मात्र 600-700 ml पर घंटा, 600-700 ml पर घंटा जी। और इसमें मोटा टायर भी दिया हुआ है, इसके कारण कि वो दबते नहीं है, धान गेहूँ में काटने के लिए नमी रहता है तो इंजन दबता है, तो इससे ये कोई शिकवा शिकायत नहीं है। रंजीत जी, तो इस रीपर की खासियत बताइए और इस रीपर की मदद से हमारे किसान बंधु कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं? ये रीपर जो हुआ आपको हुंडा इंजन का स्पेशलिस्ट, कितने HP का है? 7 HP का हुंडा इंजन का स्पेशलिस्ट है ये इंजन। ये 4 फीट का इसका ब्लेड है और ये मोटा टायर है, मोटा टायर कारण रहने के कारण आपको नमी भी खेत में रहेगी, धान काटने में कोई परेशानी नहीं है, बैठती जमीन में बैठती नहीं है और बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल ईजी, जैसे मैं वैसे इसको घुमा सकते हैं, कोई तरह का परेशानी नहीं है। गेहूँ भी काट सकती है, धान भी काट सकती है, इसके अलावा क्या क्या काटेगी ये? धान, गेहूँ, चना, मसूर। चना मसूर भी निकालेगी? जी जी, बहुत नीचे से ब्लेड चलता है, एकदम आपको मात्र 4 इंच छोड़कर ये चलेगी। अच्छा। जी, 1.5 फुट के जितना पौधा है ऊपर तक ये काटती है रीपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसी बात है। तो तेल कितना खाएगी, तेल की खपत कितनी होगी?
इसके विषय में कुछ बताइए। ये जो तेल की खपत है मात्र आपको पर एकड़ 150 रुपया का तेल ही लगेगा, मतलब तकरीबन 1.5 लीटर एक एकड़ में मात्र 1.5 लीटर तेल की खपत होगी जी। 1.5 लीटर ही में ही एक बीघा मतलब एक एकड़ काट देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। इस मशीन के माध्यम से हमारे किसान बंधु जिनके पास कम भूमि है वो तो अपना खुद का काम करेंगे ही, दूसरे के जमीन में लगे फसल को भी काट कर 2 पैसे कमा सकते हैं जी। ये जो अगर कोई भी किसान भाई ले लें या कोई भी बेरोजगार लोग ले लें तो पर डे मतलब हम लोग के तरफ एक एकड़ तकरीबन 2200-2400 में एक एकड़ काटती है धान या गेहूँ। मात्र 150 में एक एकड़ काट देगी जी, 150 में काट देगी। अगर किसान भाइयों चाहें तो एक सीजन में ही पैसा वसूल कर लें रीपर का। तो इसकी कीमत क्या रहने वाली है हमारे दर्शकों के लिए? ये जो अभी कंपनी जो है 1,40,000 में बेच रही है, कंपनी के मुताबिक मैं चलता हूँ, जो बेचेगी आगे ऊपर नीचे तो रेट होते रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल 1,40 ही इसका प्राइस है। ये बताइए सर, ये कृषि उपकरण आपके पास है तो सरकार की तरफ से भी सब्सिडी का देने का प्रावधान रहता है, तो क्या जो हमारे किसान बंधु आपके यहाँ से खरीदेंगे तो कुछ सब्सिडी वगैरह का भी कुछ है? सब्सिडी जी इसपे स्प्रेमैन पे जो है हुंडा इंजन पे सब्सिडी है 40%। अभी इस पे प्रोसेस में भी चल रहा है, लेकिन इसमें 40% सब्सिडी किसानों को मिल रही है जी। 40% सब्सिडी किसान भाइयों को मिलेगी। और ये 1,40,000 की मशीन है जी, 1,40,000 इसका प्राइस हुआ। इसका एरिया कितना है, कितना एरिया लेकर चलेगा ये? एरिया 4 फुट का है। और फुट जी, अब बिल्कुल ईजी है काटने में, कोई बच्चा लेडीज बुजुर्ग कोई भी काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं जी जी। तो दोस्तों बहुत सारे कृषि उपकरण के बारे में रंजीत जी ने आपको बताया समझाया, और विशेष जानकारी के लिए इनका नंबर स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा। अगर आप फ़ोन से संतुष्ट नहीं हो तो फिर यहाँ पर आ करके सारी जानकारी ले सकते हैं, सारी मशीनों की जानकारी ले सकते हैं, डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए